indiantimesdaily.com में आपका फिर से स्वागत है और कनाडा की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बिल मोर्नो ने कंजर्वेटिव्स को अदालत ले जाने की चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने उन पर 2015 में टैक्स में बदलाव लाने से पहले अपने शेयर्स बेचने का आरोप लगाया है। मोर्नो ने कहा है कि वे उन्हें दिखाएंगे कि देश का कानून क्या चीज़ है। कनाडा अपने सॉफ्टवुड लंबर का केस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर गए हैं और यूएस के साथ एक लंबी लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि यूएस का कनेडियन सॉफ्टवुड लंबर पर एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाने का फैसला गलत है, नाजायज है और उनके लिए परेशानियां खड़ी करने वाला है। कनाडा नॉर्थ कोरिया पर होने वाले एक मेजर इंटरनेशनल मीटिंग में यूएस के साथ को होस्ट रहेगा, जिसमें इस न्यूक्लियर क्राइसिस का नॉन मिलिट्री समाधान ढूंढा जाएगा। इसमें कोरिया वॉर से जुड़े देशों के फॉरेन मिनिस्टर हिस्सा लेंगे और साथ ही क्षेत्र का बहुत ही खास देश जापान भी होगा। इस साल अल्बर्टा अपने तय डेफिसिट 10.3 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहेगा। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जॉर्ज सेसी ने कहा है इकोनॉमी सुधर रही है और अब ये पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि इसे इसी तरह बनाए रखने के लिए अपना योगदान दें। क्वेबेक के प्रीमियर फिलिप कुइयार्ड ने ओटावा से आग्रह किया है कि वह क्वेबेक सिटी के पास के डेवी शिपयार्ड के वर्कर्स को एक मजबूत संकेत दें। कुइयार्ड ने कहा है कि इस फैसिलिटी के फेडरल कॉन्ट्रैक्ट की कमी नाइंसाफी है और ये भी कहा है कि डेवी का एक्टिव रहना जरूरी है। फेडरल लिबरल सरकार ने एक विधेयक पेश किया है, जिसके तहत पब्लिक रिकॉर्ड से उन लोगों के आपराधिक मामलों की जानकारी हटा दी जाएगी जिन्हें सेम सेक्स पार्टनर्स के साथ आपसी सहमति से रिश्ता बनाने पर भी सजा मिली थी। अगर किसी का निधन हो चुका है तो उनकी तरफ से उनके रिश्तेदार या वकील भी इसके लिए उनकी तरफ से आवेदन कर सकते हैं। फायर फाइटिंग कॉस्ट और दूसरे वित्तीय दबाव की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया सरकार को अपना फाइनेंशियल फोरकास्ट में तब्दीली करनी पड़ी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर कैरल जेम्स ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि साल का अंत प्रोविंस के लिए अच्छा ही होगा और बजट में छोटा सरप्लस भी मिलेगा। फिनिक्स को स्थिर करने के लिए अनुमानित लागत पहले से ही $600 मिलियन के पार चला गया है और इसके और बढ़ने की संभावना है। पब्लिक सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर कार्ला कोल्ट्रो ने माना है कि पिछले साल जब लिबरल्स ने इसे लॉन्च किया था तब फिनिक्स की कार्यसाधकता का पैमाना तय करने के लिए उनके पास कोई ठोस प्रक्रिया नहीं थी। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने क्वेबेक सरकार की नई घोषणा के साथ खुशियाँ मनानी शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने कैरिबू के स्थानीय लोगों के लिए प्रोविंस के नॉर्थ में एक विशाल सुरक्षित जगह मुहैया कराने की बात की है। ये इलाका क्वेबेक के कमर्शियल फॉरेस्ट की सीमा के पास है और इससे लॉगिंग के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साउथ वेस्ट ओंटारियो के प्रोविंशियल पार्क को आंशिक रूप से फिर से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जिसे इस महीने की शुरुआत में जमीन के दावे की वजह से बंद किया गया था। ऑन्टेरियो के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट्री की स्पोक्स वुमेन ने कहा है कि बंद होने के पहले 2 हफ्ते में मिनिस्ट्री को 20,000 की रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इसी के साथ हमारा न्यूज़ बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी कनेडियन बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।